नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेम्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं कमलेश कुमार आपका दोस्त। इस वीडियो के माध्यम से आशिक नाम के लड़कों के बारे में बहुत सी खास बातें जानेंगे, जैसे कि आशिक नाम का क्या मतलब होता है, आशिक नाम के लड़कों के लिए कौन सा रंग शुभ होता है, कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा पत्थर शुभ होता है, और दोस्तों सबसे खास बात यह जानेंगे कि आशिक नाम के लड़के कौन से क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं जहाँ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर रोज़ आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि आशिक नाम का मतलब होता है प्रेमी या प्यारा को भी आशिक कहा जाता है। दोस्तों आशिक नाम का अगर अंग्रेजी में अर्थ जाने तो आप सभी को बता दें लवर को आशिक कहा जाता है या लवेबल को भी आशिक कहा जाता है। दोस्तों धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में लड़कों के लिए यह नाम रखा जाता है। नाम बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आता है लोगों को और बोलने सुनने में तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। राशिफल की बात करें तो मेष राशि आशिक नाम के लड़कों के लिए शुभ माना जाता है। शुभ अंक 3 होता है और शुभ रंग की बात करें तो लाल, सफ़ेद और पीला रंग आशिक नाम के लड़कों के लिए बहुत शुभ होता है। शुभ दिन की बात करें तो मंगलवार और शुभ पत्थर की बात करें तो मूंगा अथवा गार्नेट रत्न आशिक नाम के लड़कों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में सबसे खास बात जानते हैं कि आशिक नाम के लड़के कौन से क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं जहाँ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें ये सेना में जा सकते हैं, आर्किटेक्ट में जा सकते हैं, अस्त्र शास्त्र वस्तु शास्त्र में करियर बना सकते हैं या इनसे जुड़ा किसी भी सेक्टर में बना सकते हैं अपना करियर जहाँ आशिक नाम के लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये खास बातें थी आशिक नाम के लड़कों के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर आपको भी किसी नाम का अर्थ जानना हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेम के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।